नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइंग सिचुएशंस। बाइंग सिचुएशंस का मतलब है कि हम किन कंडीशंस में, किन हालातों में परचेज करते हैं, बाइंग करते हैं। तो हमारा कंज्यूमर एज अ मार्केटियर हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कंज्यूमर कब और किन सिचुएशंस में खरीदारी करता है, परचेजिंग करता है। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो शुरू करें। पहला बाइंग सिचुएशन इज स्ट्रेट रीबाय। स्ट्रेट रीबाय का मतलब होता है कि जो हमारा कंटिन्यूअस परचेज हैबिट है, हम उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कि जैसे एक ऑफिस में स्टेशनरी होती है, ओके, प्रिंटर का इंक होता है, हाउसकीपिंग का जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे बाथरूम क्लीनिंग लिक्विड्स हो गए, फ्लोर क्लीनिंग फ्लूइड्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो महीने की खरीदारी होती है, तो हर महीने हमारा वेंडर आके दे जाता है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड स्ट्रेट रीबाय। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी बार में जाते हैं, आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं, तो आप सीधा वेटर को बोलते हैं रिपीट। व्हाट इज दैट रिपीट? रिपीट इज स्ट्रेट रीबाय कंडीशन, राइट? यहां हम क्या कर रहे हैं कि जिस चीज को हम खरीद रहे थे, जिस क्वांटिटी में खरीद रहे थे, उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यह हो गया हमारा स्ट्रेट रीबाय। फाइन, आते हैं दूसरे बाइंग सिचुएशन पर। हमारा दूसरा बाइंग सिचुएशन होता है मॉडिफाइड रीबाय। हम छोटे मोटे कोई चेंजेस होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट में कोई छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, तो हम रीबाय तो कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। हमारे फैमिली में कोई मेंबर ऐड हो जाता है, तो हम हर महीने की जो ग्रोसरी खरीदते थे वो जिस तरह से मॉडिफाई होता है, उसी प्रकार से अगर हमारा ऑफिस का कोई एक ब्रांच नया खुल जाता है या कुछ स्टाफ ऐड हो जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो हो सकता है हमारी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट बदल जाती है। ओके, तो तब हम क्या करते हैं, हमारे वेंडर को बोलते हैं कि क्वांटिटी में कुछ चेंजेस लाओ। ओके, इसी तरह अगर हम देखें तो हो सकता है कि हमें क्वालिटी में भी कुछ चेंजेस लाने पड़े। हम अगर मान लीजिए कि हमारी फैमिली में हम पहले कुछ शुगर वाले प्रोडक्ट्स खरीदते थे, लेकिन अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज का शिकायत हो जाए, तब हम क्या करते हैं, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट्स वही होते हैं, क्वांटिटी शायद वही हो, लेकिन क्वालिटी जो थी वो चेंज हो गई, राइट? हम शुगर वाले प्रोडक्ट्स से शिफ्ट होकर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाते हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, तो हम कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड की तरफ, ओके, जो हम ऑयल्स खरीदते हैं तो उसमें ओमेगा 3 फलाना फलाना कुछ कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो उनकी तरफ स्विच हो जाते हैं। तो अगर महीने में 5 लीटर तेल खरीदते थे तो 5 लीटर ही खरीद रहे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल फ्री तेल खरीद रहे हैं या शुगर फ्री प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड रीबाय। ओके, तो आते हैं हमारा थर्ड बाइंग सिचुएशन पर। हमारा थर्ड बाइंग सिचुएशन है न्यू टास्क। ओके, हम कुछ टास्क शुरू से एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त हम जो शॉपिंग करते हैं, जो परचेजिंग करते हैं, जो बाइंग करते हैं, जो खरीदारी करते हैं, तो वो हो जाता है न्यू टास्क। जैसे हम एक नया ऑफिस का प्रेमिसेस खरीदते हैं, तो वो हो गया न्यू टास्क। ओके, हम पूरी एक नई डिपार्टमेंट अगर शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कंप्यूटर्स चाहिए, जो प्रिंटर्स चाहिए, एयर कंडीशनर्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, तो ये हो गया आपका न्यू टास्क। ओके, तो हमारे जो अलग अलग बाइंग सिचुएशंस हैं, तो अगर हम उनको देखें तो सारे बाइंग सिचुएशंस को हम
तीन कैटेगरीज या तीन श्रेणियों में डाल सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट रीबाय, जो हम अपने एग्जिस्टिंग जो ऑर्डरिंग प्रोसेस है, बाइंग प्रोसेस है, परचेजिंग प्रोसेस है, जो परचेजिंग बिहेवियर है, उसी को हम एज इट इज बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। तो वो हो गया आपका स्ट्रेट रीबाय। दूसरा था आपका मॉडिफाइड रीबाय। ओके, वहां हम या तो क्वालिटी में या क्वांटिटी में कुछ चेंजेस लाते हैं। हो सकता है हम वेंडर के प्रोडक्ट से इतने खुश ना हो। अगर कोई मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं और मुझे कोई वेंडर चिकन सप्लाई करता है, मीट सप्लाई करता है, और मुझे लगता है कि उसकी चिकन की क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं आ रही है, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि तुम्हारी चिकन की क्वालिटी में फैट कम है या बोन ज्यादा है या फाइबरी है, चुई है, तो आगे से ख्याल रखना। तो मुझे फैट वाला, हाई फैट वाला चिकन चाहिए। तो इस बात, इस ऑर्डर से ध्यान रखना कि मुझे ज्यादा फैट वाला चिकन चाहिए, या अगर मिल्क दे रहे हैं तो फुल क्रीम वाला चाहिए या टोंड चाहिए। तो हम ऐसे कुछ क्वालिटी में या क्वांटिटी में चेंजेस, बदलाव लाते हैं। तो वो हो गया आपका मॉडिफाइड रीबाय। ओके, और न्यू टास्क हो गया जो हम बिल्कुल ही शुरू से, फ्रॉम द स्क्रैच किसी चीज की शुरुआत करते हैं और उसके लिए जो भी बाइंग करते हैं, वो हो गया आपका न्यू टास्क। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए अगर आपको पसंद आया है तो लाइक तो जरूर बनता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। Audio Jungle. Audio Jungle.